कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी जिंदा जल गए। पूरे मामले को लेकर कानपुर देहात में अवैध कब्जा मुक्त कराने गए प्रशासन पर आरोप लगा है कि अवैध भूमि पर कब्जा कर रहे एक परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी गई। उस झोपड़ी में मौजूद मां और बेटी जिंदा जल गई और उनकी मौत हो गई। बता दें ये घटना कानपुर देहात स्थित मडौली गांव की है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बनाई गई है, साथ ही घटना को लेकर एसडीएम और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजन मुख्यमंत्री के आने की मांग कर रहे हैं और डीएम जिला प्रशासन से आरोपियों की मांग की है। कमिश्नर भी लगातार परिजनों को समझाने में जुटे हैं। इसके साथ ही कुछ आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हैं इसमें और लगातार हम लोग परिवार के टच में हैं और कल रात जो है परिवार ने जो तहरीर दिया था तो उसके आधार पे मुकदमा दायर किया गया है। आगे लीगल कार्रवाई जो है पुलिस ने शुरू कर दिया है और प्रशासनिक तौर पे भी जो है जो लेखपाल है सस्पेंड कर दिए गए हैं और एसडीएम को भी इस तहसील से हटा के जो है शासन द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जो भी लीगल कार्रवाई वो भी कंटिन्यू है और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी कंटिन्यू चल रहा है इस पर।